वेलकम टू सिनेब्रिटी। साल 2018 में आदित्य धर के निर्देशन में बनी और रोनी स्क्रूवाला द्वारा निर्मित उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने शानदार समीक्षा प्राप्त करते हुए सभी को हैरान कर दिया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी और फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। विकी कौशल को उरी में उनके प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। वहीं निर्देशक आदित्य धर ने भी अपने डायरेक्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। चूंकि फिल्म ने 11 जनवरी को रिलीज के 2 साल पूरे कर लिए हैं और ऐसे में विकी, आदित्य और रॉनी की तिकड़ी ने अपने अगले प्रोजेक्ट यानी कि अश्वत्थामा का पहला लुक रिलीज कर दिया है। अश्वत्थामा एक साइंटिफिक फिल्म है और महाभारत के अध्याय से एक किरदार अश्वत्थामा पर आधारित है। आदित्य ने इस फिल्म के बारे में कहा है कि हम सभी उस प्यार के लिए अभिभूत है जो उरी को पिछले 2 वर्षों में मिला है और निश्चित रूप से उस प्यार के साथ हमारे अगले सहयोग के लिए उम्मीद पर खरा उतरने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आती है। अश्वत्थामा के साथ हम शानदार विजुअल पेश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो भारत भर के दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं वादा करता हूँ कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी बल्कि ये एक एक्सपीरियंस होगा और मैं इस फिल्म को इस महाकाव्य कहानी को बताने की जिम्मेदारी के रूप में ले रहा हूँ जिस तरह से इसे बताया जाना चाहिए और मुझे आशा है कि दर्शक अश्वत्थामा पर भी उसी तरह का प्यार की बौछार करेंगे जैसा कि उन्होंने उरी को दिया था। वही आपको बता दें कि विकी कौशल ने अश्वत्थामा को अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म बताई है और उनका मानना है कि आदित्य और रॉनी के साथ फिर से काम करना उनके लिए घर वापसी जैसा है। विकी कहते हैं कि अश्वत्थामा आदित्य का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे दर्शकों तक पेश करने के लिए रॉनी जैसे दूरदर्शी की आवश्यकता थी और ये एक अभिनेता के रूप में मेरे लिए एक नया स्पेस होगा जहां मैं अभिनय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के नए फॉर्म से रूबरू होऊंगा और इस अद्भुत टीम के साथ जल्द ही सफर शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकता। वही आपको बता दें कि फिल्म के प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला ने भी कहा है कि हर फिल्म का अपना सफर होता है। हालांकि जब एक राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म उरी की टीम एक साथ आती है तो उम्मीदों का बढ़ना तो जायज है। अश्वत्थामा में स्टोरी को बड़े पैमाने पर बताया जाएगा और पात्रों में गहराई और विजुअल इफेक्ट की भी भरमार होगी। भाषा इस फिल्म के लिए कोई बाधा नहीं है और हम इस साल शूटिंग शुरू करेंगे। मैं स्क्रीन पर आदित्य की दृष्टि का अनुवाद देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म है जिसका हमने प्रयास किया है और हम इसे भारत और दुनिया भर में व्यापक दर्शकों तक पहुँचाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आप भी ये फिल्म देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की खबरें पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।